एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग शहरों में रीजनल इन्वेस्टर समिट करके निवेश के नए नए अवसर उद्योग जगत को दे रहे हैं। इस सब के पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इच्छा है कि स्थानीय स्तर पर औद्योगिकरण के जरिए लोगों को सहज रोजगार के अवसर मुहैया हों। इस तरह के प्रयास एमपी में पहली बार किए जा रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2024 में कई इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया, जिनका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इंदौर से हटकर ये आयोजन ग्वालियर, सागर और जबलपुर जैसे शहरों में किए गए। इन मीट्स का सिलसिला चलता रहेगा। मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए मोहन यादव ने 13 जुलाई को मुंबई में मीट की। इसमें 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों और विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20 जुलाई को जबलपुर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। 28 अगस्त को ग्वालियर मीट में विभिन्न उद्योगों से जुड़े कई निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले। 27 सितंबर को सागर मीट में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मोहन यादव सरकार को मिले। इन इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इस्पात उद्योग में पैसिफिक इंडस्ट्रीज द्वारा निवाड़ी जिले में 3,200 करोड़ का निवेश, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप द्वारा 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 1,350 करोड़ का निवेश, स्वास्थ्य सेवा के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एक 5 सितारा होटल स्थापित करने के लिए बंसल ग्रुप का निवेश सरकार के पास पहुंचा। रसायन और सीमेंट उद्योग के लिए कोलकाता में आयोजित मीट में रसायन, सीमेंट और स्टील उद्योग में 19,270 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं नवकरणीय ऊर्जा में रिलायंस द्वारा नवकरणीय गैस और संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं में निवेश को हरी झंडी मिली। उद्योग जगत इन प्रयासों की सराहना कर रहा है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया था। निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन ग्वालियर के औद्योगिक विकास के लिए है। जिस तरीके से रिलायंस ने और गौतम अडानी जी स्वयं इसमें उपस्थित थे और उन्होंने घोषणा की है लगभग 3500 करोड़ रुपये का निवेश वो इस ग्वालियर चंबल संभाग में लेके आ रहे हैं। ग्वालियर के अंदर नए इंडस्ट्रियल एरिया भी बन रहे हैं। वहीं जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे भी लैंड की बहुत पूछ परख आ रही है। मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं और मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने और साल भर के अंदर ग्वालियर में तेजी से औद्योगिकरण होगा। मोहन यादव सरकार इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से राज्य में हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बना रहा है। उदाहरण के लिए अकेले बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश से लगभग 28,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में विभिन्न इन्वेस्टर मीट्स का सफल आयोजन किया, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। इन निवेशों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्वालियर में आयोजित रीजनल इन्वेस्टर समिट में मिले प्रस्ताव बताते हैं, इससे ग्वालियर चंबल इलाके में तकरीबन 10,000 युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस समिट से युवा वर्ग खासा उत्साहित है। ये जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, इसमें युवाओं को बहुत बड़ी आशाएं हैं और मैं समझता हूं कि अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें बहुत कुछ करें, ऐसा मेरा अनुमान है और युवाओं का भी अनुमान है। ग्वालियर में रोजगार की सुविधा बढ़ेगी, इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। अडानी जी खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं ग्वालियर के अंदर, जी हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है। 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। 300 करोड़ जब इन्वेस्ट होंगे ग्वालियर के अंदर तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार बढ़ेगा तो उससे क्या रहेगा, एक माहौल एक अच्छा बनता है और फिर गरीबी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ग्वालियर में रोजगार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अडानी जी का प्लस माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।